नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। इस नवरात्रि से भक्तों को अगर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं और आरती में शामिल होना है तो अपने कपड़ों का खास ध्यान रखना होगा। दरअसल इस बार की नवरात्रि के दर्शन और आरती के समय शालीन पोशाक पहनना अनिवार्य होगा। इस बारे में श्राइन बोर्ड प्रशासन ने कड़ा निर्देश दिया है, जिसके तहत माँ वैष्णो देवी भवन पर जगह जगह इस नियम को लेकर सूचना पट्टी भी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, इस बारे में अनाउंसमेंट भी की गई है। जो श्रद्धालु शालीन वस्त्र नहीं पहने रहेंगे उनको दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी और ना तो वो दिव्य आरती में शामिल होंगे। शालीन वस्त्र संबंधी कई तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। अब की बार नवरात्रि में इस निर्देश पर बहुत ही सख्ती से अमल किया जाएगा। श्राइन बोर्ड प्रशासन की नजर श्रद्धालुओं के पहनावे पर होगी। इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पूरे नवरात्रि में फलाहार करने वाले भक्तों के लिए विशेष तरह की व्यवस्था की है। सभी यात्रा मार्गों पर भक्तों को लंगर कराया जाएगा, जिसमें फ्री में फलाहार कराया जाएगा। पहले श्राइन बोर्ड ने भोजनालय में नवरात्रि पर फलाहार वाली थाली जैसी सुविधा थी, पर फलाहार में लंगर की सुविधा कई जगहों पर पहली बार दी जा रही है। माँ वैष्णो देवी के नए ताराकोट मार्ग के ताराकोट स्थल पर पारंपरिक मार्ग पर झांसी छत क्षेत्र में, इसके अलावा भैरव घाटी में और भैरव परिसर में इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है, जो 24 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दौरान कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं तो कुछ पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। पूरे नवरात्र फलाहार करने वाले भक्तों के लिए इस बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने विशेष व्यवस्था की है। सभी यात्रा मार्गों पर भक्तों को फलाहार में लंगर निःशुल्क दिया जाएगा। ये सुविधा ताराकोट स्थल, झांसी छत क्षेत्र और भैरव मंदिर परिसर में होगी। बस आपको दर्शन करते वक्त अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।